प्रिय विद्यार्थियों, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की कक्षा में मैं डॉक्टर वी एन पांडे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के पेपर के पहले यूनिट में हम पाचन क्रिया की चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण की बात की थी। आज हम प्रोटीन के पाचन और अवशोषण की बात करते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर हुआ करता है, उसी प्रकार से प्रोटीन अमीनो अम्लों का पॉलीमर है। अनेक अमीनो अम्ल मिलकर के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं और वही श्रृंखलाएं प्रोटीन बनाती हैं। प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, ये पाचन स्टमक से प्रारंभ होता है। जब भोजन स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ चीफ सेल से पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम स्रावित होता है। HCl से क्रिया करके पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। ये पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है और प्रोटीन पर क्रिया करके प्रोटीन्स को प्रोटीओज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीओज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड ये खाली आकार के आधार पर, साइज के आधार पर ही नाम दिए गए हैं। कुछ सीमित अमीनो अम्लों की सीधी चेन पॉलीपेप्टाइड है, उससे थोड़ा बड़ी चेन हो जाए, शाखित हो जाए तो वो पेप्टोन है, और वही चेन और बड़ी हो जाए और बड़े मॉलिक्यूल बन जाए तो वो प्रोटीओज कहलाते हैं। तो स्टमक में जो प्रोटीन है वो प्रोटीओज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कुल प्रोटीन का लगभग आधा भाग 50% तक स्टमक में इस प्रकार से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। स्टमक में जो पेप्सिन है ये अम्लीय पीएच पर कार्य करता है, इसके लिए 5 से नीचे का पीएच होना चाहिए। ऑप्टिमम पीएच 2 है, 2 का पीएच इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। 5 से कम के पीएच पर ही ये पेप्सिन क्रियाशील हो सकता है। इसके बाद भोजन इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इंटेस्टाइन में दो प्रमुख एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये क्रियाशील होते हैं। ट्रिप्सिन का स्राव इंटेस्टाइन से होता है, आंत से ही होता है, और ये 10% लगभग इसका योगदान है। बाकी योगदान पैंक्रियस से स्रावित काइमोट्रिप्सिन नाम के एंजाइम का है। ये दोनों एंजाइम ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में स्रावित होते हैं और काइमोट्रिप्सिनोजन, और क्षारीय पीएच जो कि 7.6 या इससे ऊपर का पीएच होगा, क्षारीय पीएच में ही ये ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन में बदलते हैं और तभी ये क्रिया करते हैं। इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस के साथ साथ गाल ब्लैडर से बाइल जूस भी स्रावित हो जाता है। बाइल जूस में बड़ी मात्रा में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं जो कि वहाँ के पीएच को क्षारीय कर देते हैं, और इस प्रकार से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्रियाशील हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया अभी कि स्टमक में लगभग आधा प्रोटीन का भाग ब्रेकडाउन किया जा चुका है, शेष बचे हुए आधे भाग को इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन करके प्रोटीओज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद इंटेस्टाइन से स्रावित होने वाले दो और एंजाइम्स क्रियाशील होते हैं। एक को
अमीनो पेप्टाइडेज कहते हैं और दूसरे को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहते हैं। ये दोनों ही इंटेस्टाइन से स्रावित होने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं। अमीनो पेप्टाइडेज पेप्टाइड श्रृंखला के उस स्थान पर क्रियाशील होता है जहां अमीनो ग्रुप होता है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कार्बोक्सी ग्रुप्स के साथ क्रिया करता है, और ये पेप्टाइड्स को पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करते हुए बहुत छोटे छोटे पेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ देते हैं अथवा अमीनो अम्लों में ही इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इस प्रकार से जो प्रोटीन्स थे वो या तो अमीनो अम्लों के रूप में विघटित हो गए या बहुत छोटी छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाएं जिनका अणुभार 200 के आसपास हो, इतने छोटे छोटे पेप्टाइड की श्रृंखलाओं में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब इसके उपरांत प्रोटीन का अवशोषण होता है। प्रोटीन के अवशोषण में अमीनो अम्ल तथा छोटे पॉलीपेप्टाइड्स सीधे ही आहार नाल में अवशोषित कर लिए जाते हैं। कुछ अमीनो अम्ल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अवशोषित होते हैं, अधिकांशतः डिफ्यूजन के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वहाँ से ये रक्त में पहुँचते हैं, रक्त से ये विभिन्न ऊतकों में पहुँचाए जाते हैं और वहाँ पर आवश्यकता अनुसार इनको पुनः रीऑर्गेनाइज करके प्रोटीन के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। कुछ अमीनो अम्ल फ्री पूल के रूप में रक्त में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार प्रोटीन का पाचन क्रिया पूरी होती है। अब हम बात करते हैं वसा के पाचन की। वसा का पाचन मुख गुहा में बिल्कुल नहीं होता है। वसा के पाचन के लिए जो महत्वपूर्ण एंजाइम है उसको लाइपेज कहते हैं। स्टमक में कुछ वसा को ब्रेक डाउन किया जाता है HCl की सहायता से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गैस्ट्रिक लाइपेज वसा के बहुत कम भाग को, कुछ हिस्से को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। वसा का अधिकांश भाग आंत में ही जाकर के पाचन हो पाता है। आंत में जो बाइल जूस जो कि गाल ब्लैडर से स्रावित होता है, ये इसमें कार्बोनेट होते हैं और ये कार्बोनेट्स वसा के सेपोनिफिकेशन की क्रिया या इमल्सिफिकेशन की क्रिया करते हैं। जिस तरह से साबुन से किस क्रिया की जाए उसी तरह की ये क्रिया होती है, और इस इमल्सिफिकेशन के कारण वसा छोटे छोटे अणुओं के रूप में, छोटे छोटे गोलों के रूप में टूट जाता है जिन्हें माइसील कहते हैं। अब इन पर माइसील बन जाने से, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाने से इन पर लाइपेज एंजाइम की क्रिया करना संभव हो जाता है। लाइपेज पैंक्रियस से स्रावित होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि क्षारीय माध्यम में कार्य करता है, और आंत में क्षारीय माध्यम पाकर ये वसा को वसा अम्लों में तोड़ देता है तथा साथ ही साथ ग्लिसरॉल बनता है। तो इस तरह से वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ये भी लगभग एक तथ्य है कि जो भोजन में वसाएं ली जाती हैं उनका काफ़ी हिस्सा, 30% से 50% तक का भाग बिना पचा ही रह जाता है, क्योंकि जब तक ये क्रियाएं हों भोजन आगे बढ़ चुका होता है, और लगभग 70% तक का ही वसा का पाचन इंटेस्टाइन में हो पाता है, वसा का कुछ भाग नहीं पच पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वसा के अवशोषण की बात करें
तो ग्लिसराल का अवशोषण तो सीधे ही हो जाता है। और जो फैटी अम्ल हैं, ये फैटी अम्ल जो माइक्रोविलाई हैं, माइक्रोविलाई के द्वारा पाइनोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। पाइनोसाइटोसिस की क्रिया एक तरह से कोशिका की ड्रिंकिंग प्रोसेस कहलाती है, और यही क्रिया वसा के अवशोषण में काम आती है। अवशोषित हो करके जब आंत की कोशिकाओं में, इंटेस्टाइनल वाल की कोशिकाओं में यह वसा पहुंचता है, तो इनको काइलोमाइक्रॉन कहा जाता है। काइलोमाइक्रॉन बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं या ग्लोब्यूल्स हैं। कोशिका के अंदर पहुंचने पर ये अपने चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण बना लेते हैं, प्रोटीन से घेर लिए जाते हैं। प्रोटीन से घेरने की क्रिया इसलिए होती है ताकि ये काइलोमाइक्रॉन एक दूसरे से चिपक ना जाएं, चिपक जाएंगे तो बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये नलिकाओं से आगे नहीं पहुंच पाएगा। अवशोषित होने के बाद उन कोशिकाओं से आगे इनको लिम्फ नलिकाओं में डाल दिया जाता है। ध्यान देने की बात है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो रक्त की नलिकाओं में भेजे गए थे, लेकिन वसा रक्त की नलिकाओं में नहीं भेजा जा करके लिम्फेटिक डक्ट्स में पहुंचाया जाता है, जिनको लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल नाम की लिम्फ नलिकाओं में ये काइलोमाइक्रॉन पहुँचते हैं। प्रोटीन से घिर जाने के बाद इनको काइल कहा जाता है, और ये काइल वहाँ से लैक्टियल्स से होते हुए, लिम्फ डक्ट से होते हुए और अंत में ऊतकों तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद, ऊतकों में पहुँचने के बाद पुनः वसा को, वसा के दोनों तत्व फैटी अम्ल और ग्लिसराल को पुनः संयोजित करके ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर लिया जाता है, और फिर से ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही स्टोर होते हैं। जो भोजन में वसा ली गई थी वो भी ट्राइग्लिसराइड थी, आहार नाल में ये डाइग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड्स में टूटी थी, और डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स तथा फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल ये प्रमुख तत्व थे जो आहार नाल में टूटने पर बने थे। डाइग्लिसराइड वह अवस्था कहलाती है जब ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी अम्ल जुड़े हुए हों। मोनोग्लिसराइड वह अवस्था कहलाती है जब ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी अम्ल जुड़ा हुआ हो, और ट्राइग्लिसराइड पूर्ण वसा का ही रूप है जिसमें ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी अम्ल जुड़ जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही ये वसा जा करके ऊतकों में या एडिपोज टिश्यूज में संग्रहित की जाती है, अर्थात मात्र इतने के लिए इसका पाचन हुआ था कि ये आहार नाल की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित हो जाए, अवशोषित होकर के ऊतकों तक पहुंच जाए, और वहां पहुंच करके ये पुनः अपने पुराने रूप में भंडारित कर ली जाती है। आवश्यकता अनुसार इनसे विभिन्न प्रकार के अवयव जैसे कोशिका झिल्ली की वसा या कोलेस्टेरॉल या विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के लिए कोलेस्टेरॉल, ये सभी रचनाएं इनसे बनाई जाती हैं। और इस प्रकार से भोजन के तीनों तत्वों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन संपूर्ण होता है।